हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटी से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए आज हम पढ़ेंगे 15 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में कब अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 जून। 13 जून को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, जो मनाया है 13 जून को। और यह क्यों मनाया जाता है? जो लोग रंगहीनता के होते हैं, यानी यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, आनुवांशिक बीमारी है, जिनको इन्हें रेड और हरे रंग यानी रेड और ग्रीन में फ़र्क नज़र नहीं आता है, और इस बीमारी से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उनका रेलवे में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि रेलवे में इसका बहुत ही ज़्यादा परीक्षण किया जाता है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 13 जून को, रंगहीनता दिवस। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे, जिन लोगों को भी यह बीमारी होती है उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस की थीम है मेड टू साइन। क्या है? मेड टू साइन इसकी थीम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश राज्य। इस योजना के तहत जो भी बाल श्रमिक बच्चे होते हैं, यानी जो छोटी उम्र में ही काम करने लग जाते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पढ़ाने के लिए लड़कों को 1000 रुपये, लड़कियों को 1200 रुपये देगी पर मंथ, और यह कक्षा 7वीं तक देगी। और कक्षा 8वीं से, जैसे जिसने भी 8वीं पास कर लिया उन्हें 6000 रुपये, 8वीं 9वीं 10वीं तक 6000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 404, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाया है, यह पाने वाला देश का पहला राज्य है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो यह प्रमाण पत्र मिला उड़ीसा को। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी लाल, और हाई कोर्ट का मुख्यालय है कटक में, और यहाँ पर राजभाषा है उड़िया। क्या है? उड़िया। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1936 यानी 1936 में। और यहाँ पर जो वेलर द्वीप है इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है, जहाँ से अग्नि 1, 2, 3 और 5 का परीक्षण किया था, सफल परीक्षण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार दहलवी जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। यही थे गुलजार दहलवी, कवि, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और यह उर्दू की मैगजीन साइंस की दुनिया नामक उर्दू की मैगजीन के यह संपादक थे। कौन? गुलजार दहलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसे चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VD गुप्ता। VD गुप्ता को अभी स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का चीफ नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है विश्वजीत दास गुप्ता। क्या है? विश्वजीत दास गुप्ता, जिनको अभी चीफ ऑफ स्टाफ के ईस्टर्न नेवल कमांड नियुक्त किए हैं। और ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्वजीत दास गुप्ता को स्टॉप स्टन नेवल कमांड नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने सहकार मित्र योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत सहकार मित्र योजना के तहत इंटेंसिव प्रोवाइड की जाएगी विद सैलरी। क्या? इंटेंसिव प्रोवाइड की जाएगी विद सैलरी। यही है हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने यह सहकार मित्र योजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 से सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अभी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना है कोविड-19 के मामले में। और न्यूजीलैंड ने अभी अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। और दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना है स्विट्जरलैंड कोरोना वायरस के मामले में। तो अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। और एस सुमोरोगा यहाँ के प्रेसिडेंट है। कौन है? एस सुमोरोगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक गीत जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ITBP। ITBP ने कोरोना वायरस योद्धाओं जैसे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नर्सों के लिए एक गीत जारी किया है ITBP ने। और उस गीत का नाम है, क्या है? रख हौसला मत हार हिम्मत। क्या है? रख हौसला मत हार हिम्मत। यह कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यह गीत जारी किया है ITBP ने। ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को। कब? 24 अक्टूबर 1962 को। चीन से बचाव के लिए, चीन से रक्षा करने के लिए, तिब्बत की रक्षा करने के लिए यह अर्धसैनिक पुलिस बल की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ITBP। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में कार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। सोनू सूद को अभी कार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की है। जो भी लोग पैदल अपने घर वापस जा रहे थे कोरोना वायरस के टाइम पर लॉकडाउन में, तो सोनू सूद ने उन्हें सहायता दी है घर पहुंचाने के लिए। बस सुविधा व जो ऐसी भी सुविधा हो सकती है वह उन्होंने की है उनके लिए। तो इसीलिए अभी सोनू सूद बहुत ही न्यूज़ में भी थे। और यह एक फिल्म अभिनेता है। क्या है? फिल्म अभिनेता है, जिन्होंने दबंग जैसी फिल्म और भी कई फिल्मों में विलन का रोल किया है। किसका? विलन का रोल। पहले तो इन्होंने साउथ की फिल्मों में काम किया है और फिर यह बॉलीवुड में भी इन्होंने विलन का रोल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। और अभी कुछ टाइम पहले ही पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी करीना कपूर को। किसे? करीना कपूर को। और कार्गो इंटरनेशनल यह एक लुब्रिकेशन बनाने वाली कंपनी है। क्या है? लुब्रिकेशन बनाने वाली कंपनी है, जिसका नया ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को। यही है सोनू सूद, जिनको अभी कार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस योद्धाओं का दर्जा दिया है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन्होंने भी कोरोना वायरस महामारी के वक्त और लॉकडाउन के वक्त में बहुत कार्य किया है, जिस तरीके से डॉक्टर और पुलिस ने किया है। घर घर जाकर इन्होंने बच्चों की स्क्रीनिंग की है, टेस्ट, और बच्चों के सैंपल कलेक्ट किए हैं कोरोना वायरस के लिए। तो इसी कारण इन्हें दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना वायरस योद्धाओं का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी, यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए की थी। और जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी, यह महिलाओं को 100 मास्क बनाना था जीवन शक्ति योजना के तहत, और 1 मास्क का उन्हें 11 रुपये मिलेगा, जो अकाउंट में सीधे पैसा आएगा। तो यह जीवन शक्ति योजना थी। उसके बाद में संबल योजना लॉन्च की
यह तो पहले ही लॉन्च की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आई थी उसने बंद कर दी थी, तो वापस से बीजेपी सरकार ने इसे लॉन्च किया, जिसमें 100 यूनिट बिजली खर्च होने पर तुम्हें 100 रुपये ही बिल दिया जाना था, और उसके ज़्यादा यदि होती है तब बिल ज़्यादा देना है। तो यह संबल योजना थी। और उससे पहले अभी संकल्प योजना भी लॉन्च की थी। संकल्प योजना के तहत घर में बूढ़ों की देखभाल, कोरोना वायरस महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति बूढ़ों जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका देखभाल सही से नहीं कर रहे थे, इसीलिए संकल्प योजना लॉन्च की थी अपने घर के बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर है, और इस राज्य की राजधानी है भोपाल, और चीफ मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट टाइम पर शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1956 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है अभिनेता। सुशांत सिंह राजपूत एक टीवी सीरियल और फिल्म अभिनेता थे। इनकी सबसे अच्छी मूवी बनाई थी इन्होंने, वह थी MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। इनकी उम्र थी अभी 36 ईयर। यह पटना में इनका जन्म हुआ था, और माना जा रहा है कि इन्होंने अभी सुसाइड कर लिया है, और कुछ दिन पहले ही इनके मैनेजर ने भी अभी सुसाइड कर लिया था। रीज़न पता नहीं चला है कि इन्होंने किस कारण से सुसाइड किया। तो यह एक प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी सीरियल अभिनेता थे। यही है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका भी हाल ही में आज ही निधन हो गया है, और सॉरी आज नहीं कल इनका निधन हुआ है। और इनका सबसे अच्छा टीवी शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मेरा दिल किस देश में है, मेरा दिल किस देश में, यह इनके टीवी शो थे। और इनकी मूवी थी, वैसे तो कई मूवी में काम किया था, लेकिन सबसे अच्छी मूवी थी इनकी महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी के ऊपर इन्होंने एक मूवी बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, भारतीय फिल्म एवं टीवी शो के। चलिए हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस घोषित किया है। जो लोग भी अपना ब्लड डोनेट करते हैं, यानी ब्लड डोनेट सिर्फ वो लोग करते हैं जो स्वस्थ हो और अपनी इच्छा के अनुसार किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हो। तो ब्लड डोनेट करने के लिए हमें 50 किलो से ज़्यादा का वज़न होना चाहिए अपना खुद का, तभी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो रक्तदान दिवस उन लोगों की यादगार और उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनकी प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करने वाले की संख्या बढ़े, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है कि ब्लड डोनेट करके वह किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, यह कितना अहम काम है, इसीलिए उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मनुष्यों में रक्त 4 प्रकार का होता है, एक तो ए होता है, दूसरा बी, और तीसरा AB, और चौथा ओ। 4 प्रकार का रक्त होता है, और इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिनकी याद में इनके जन्मदिवस पर यह विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और सबसे पहली बार विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था 2004 में। इस वर्ष के रक्तदान दिवस की थीम है स्वस्थ रक्त बचाए जीवन। 2020 विश्व रक्तदान दिवस 2020 की थीम है स्वस्थ रक्त बचाए जीवन। यह थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उनसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।